हवा में तेरे यो नखरे नाच धरे रह महल हवेली राजा शाही आशीर्वाद दे दे। एक निवेदन और करूंगा भाई, जब कलाकार गाए तो थोड़ा सा साउंड जो है संगीत हल्का रखे, जो एक एक शब्द सबकी समझ में आता रहे। दादाजी समझ में आ रही है? मैंने कहा था कि पंख बिना क्यों उड़े हवा में तेरे नखरे नाच धरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जा, माया जोड़ी तो छाती चौड़ी, परमात्मा की कृपा हुई थोड़ा सा धन किसी के पास में हो गया तो छाती चौड़ा करके चलने लगा, माया जोड़ी तो छाती चौड़ी करे फिरे गली हारों में, कोठी और सोटी की चर्चा बैठ करे तू यारों में, फिर अपनी चर्चा रखता है इंसान, मांस और रोमांस में नियत उड़ता धुआं सिगारों में, दारू और जोरू में फंसके कर ले बैठ गवारों में। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो कतई? हाँ, सारी एक एक लाइन आपने समझी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हाँ, तड़क भड़क दे पटक सड़क पे, इसे भी समझ लीजो, तड़क भड़क दे पटक सड़क पे तेरे खरे मिजाज धरे रह जाऊं, महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जाऊं। सातों लाइन समझ में आई है तो मैं एक बार जोरदार ताली जो दादाजी के लिए हो जानी चाहिए। दूसरी कली के माध्यम से बताया गया, जो भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते एक बार वो हाथ खड़ा कर दें जो भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते। भगवान श्री रामचंद्र जी को मानने वाले सब हैं, पर रामचंद्र जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले बहुत कम हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगा दे, बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया भला, कैसे
शाम कब हुई है, दिन कद लिखी आया। हाँ, पर कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी डीलर हो या ना हो, कोई भैंस कटिया का भी डीलर हो तो वो भी हाथ खड़ा कर दे। हाँ, सारा डीलर है दादा। कुछ लोग अपनी दलाली के चक्कर में, दलाली कैसी, किसी को तो प्रॉपर्टी पे दलाली करनी, किसी को अपना अगर जो किसी की भैंस भी बिकवाने लग जाएगा तो उसमें भी ये कह देगा हाँ भाई शाम का खर्चा तेरा है, यानी कि उसमें भी डीलिंग चाहिए। हाँ, तो अपने लालच में चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो, दूसरे के नुकसान की कोई परवाह ना करते हुए केवल अपने स्वार्थ में घिर करके और अपने ही निजी स्वार्थ के लिए जो सोचता है, तीसरी कली के माध्यम से उनके बारे में क्या बताया बता। करें चौथी वे अंतिम कली के बाद